देखिए स्क्रीन पे देखिए, एक साइट है जिसका नाम है, गूगल पे जाके लिखेंगे सबनेटिंग क्विज टू। सबनेटिंग क्विज टू लिखने का है, वहां पर इतने क्वेश्चन नहीं पूछेगा जितने हमने लिखे, हमने तब काफी लिखे, मैंने यहाँ पे 3 आंसर पूछे गए। तो गूगल पे जाने के बाद सबनेटिंग क्विज टू लिखेंगे, यहाँ पर ये 3 चीजें पूछी जा रही हैं किसी भी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन हैं, मैंने ये प्रैक्टिस किसी से की है 7-8 साल पहले से, मैंने भी इसी पे प्रैक्टिस सारा किया हुआ है। इसमें 3 ही चीज़ें पूछी है, ये नंबर दे रखा है, आपने फाइंड आउट करना है इसकी नेटवर्क एड्रेस यानी नेटवर्क, आपने पता करना है ब्रॉडकास्ट, आपने पता करना है मास्क, ये 3 चीज़ें पूछा जा रहा है, बट बाकी चीज़ें आप खुद निकाल लीजिए। अब यहाँ पे जो नंबर दे रखा है कितना दे रखा है, 0548 86 और 130। कैलकुलेटर हर एक के पास होता है घर पे, और इसके बाद एग्जामिनेशन में भी मौजूद होता है। अब यहाँ जो ये दे रखा है आपके पास, इसमें अगर हम इसका मास्क देखें तो मास्क कितना आएगा इसका, 20 का मतलब क्या होगा, सबसे पहले आप ये वाली फीड फिलअप कर लीजिए यहाँ पे, इसको अगर हम फिलअप करते हैं तो ये कितना आ गया 255, अगले के अंदर फिर 255 कितना हो गया 16 हो गया। अब कितना और बचा 20 करने के लिए, 4 पर कितना 240, अगले वाले में कितना हो गया 0। तो जहाँ जहाँ पर 255 है वहाँ वहाँ तो आप सेम लिख दें, 205 सेम आ जाएगा, यहाँ पर 48 सेम आ जाएगा, यहाँ पर 0 भी आ जाएगा। अब मसला बचता है कि यहाँ पर है 240, ऊपर है 86, तो 240 में ब्लॉक साइज कितना होता है 16 का। तो हम क्या करें, कैलकुलेटर आपके पास हो गया है, ऊपर कितनी वैल्यू है आपके पास है 86 और ब्लॉक साइज कितना आ रहा है 16, तो 86/16 कर दें। ऐसा करने से जो वैल्यू आएगी 5.375, ये राइट वाला फ्रैक्शन छोड़ दें, 5 × 16 कर दें, तो 5 × 16 करेंगे कितना आ जाएगा 5 × 16 16×5 80 आपके पास आ जाएंगे, 80 आ गया, तो 80 इज योर NID। तो हम क्या करें, यहाँ पे कितना लिख दें 80 लिख दें, और इधर ये 0 है आपके पास, तो ये आपके पास क्या हो गया नेटवर्क आईडी आ गई। अब अपनी इस NID के अंदर अगर हम ब्लॉक साइज ऐड कर दें कितना था 16, तो कितना हो जाएगा 96। तो अब अगर BID लिखना हो तो कितना हो जाएगा 205 48 95.255। तो इस प्रोसीजर को करने के बाद नीचे आप देख रहे हैं चेक आंसर दे रखा है, और अगर इस पर हम करेंगे और गलत हुआ या सही हुआ बोथ केस के अंदर ये आपको रिप्लाई करेगा। देखें यहाँ पे चेक आंसर पे क्लिक करते हैं, अगर गलत किया हमने किया हुआ तो वहाँ पे रेड मार्किंग आ जाएगी, सही किया करेक्ट आ गया, इसका नीचे ये आंसर भी दे रहा होगा, दे रहा नीचे आंसर, इस नीचे आंसर भी दिया होगा। आगे नेक्स्ट इसको अगर हम कर दें तो अगला क्वेश्चन आ जाएगा, ये रेयर चांस है रिपीट हुआ क्वेश्चन, अगला ये आ गया 21। तो 21 अगर आ गया तो यहाँ पे 21 को मास्किंग कितनी हो गई, यहाँ पे कितना मास्किंग हो गया 255 248 248 248 248, यहाँ पर 0। अब यहाँ पर कितना आ जाएगा 4, ये कितना आ गया 86। अब 8 का ब्लॉक है थर्ड के अंदर, ये 0 रहा, 8 से कितने को कट करेंगे 123 को, तो ये आपके पास 123 लें यहाँ से 8 से कट करने का है, 8 से कट करेंगे कितना आया 15 point something, तो 15 की मल्टीप्लिकेशन 8 से, 15 × 8 कितना आ गया 120। तो 120 यहाँ पे हम फीड कर देंगे, दैट इज 120, ये 0, ब्लॉक साइज कितना आया 8 का, अगली NID कितनी होगी 128, तो यहाँ पे कितना हो गया 4, ये 86, ये 127, यहाँ पर 255, तो आना 255 चाहिए। लेट से हम ऐसा करते हैं, यहाँ पे गलत कर देते हैं और चेक करते हैं, तो लिखा हुआ आ जाएगा कि आपने गलत किया, क्योंकि 255 होना चाहिए यहाँ पे, तो हमने जानबूझ के किया और नीचे आंसर सही आ रहा होगा, आ रहा नीचे आंसर। तो जब भी आप गलत करोगे मार्क लिखा हुआ जाएगा कहाँ पे गलत किया, इस पर नंबर ऑफ क्वेश्चन हैं जितने आप करना चाहते हैं, बाकी चीज़ें वो भी आप निकाल देंगे। अब जैसे फॉर एग्जांपल 21 है, कितने वाले IP address हो गए 32 माइनस
21, 11 आ गया, 2 की पावर 11 माइनस 2, क्योंकि और 11 कितना होता है 2048, 2048 माइनस 2 2046 हो गया। ऐसे अब अगला क्वेश्चन देखें, यहाँ पे ये भी 21 है, अभी यहाँ पर कितना आ जाएगा 255 248.0, यहाँ पर 177, यहाँ पर 129, इधर 0। अब 234 को किससे कट करने का, 8 से, तो 234 को 8 से कट करेंगे, 8 से कट करने के बाद 29 समथिंग आया है, 29 की मल्टीप्लिकेशन हम 8 से कर देंगे, ये आ गया 232, तो 232.0 इज द NID। अगली जब जाएंगे तो 232 में 8 जोड़ेंगे कितना होने के, 240, तो आपकी PID हो जाएगी 177 129, और यहाँ पे 239 255। चेक आंसर करें, यही आंसर आ रहा होगा बॉटम में, क्योंकि हमने कोई फिलअप नहीं किया, सारे गलत हैं, बट नीचे कोई आंसर आया जो आपने बोला है। तो प्रैक्टिस यहाँ से करते रहें, जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आएगा, बिना उसके नहीं आएगा। इससे अच्छी कोई फिलहाल आपके पास साइड नहीं है जहाँ पे आप ये कर सकें, क्योंकि यहाँ पे खुद आप निकालें उसके बाद आंसर मिलेगा। अगला करें, इसमें डेली आप 10-15 मिनट अपने लगन, तब तो आई पेडिसिंग अच्छी होगी, अदरवाइज नहीं होती। और आई पेडिसिंग अच्छी नहीं होती तो आप खुद अपना रिजल्ट देखने वाले हैं अगले हफ्ते क्या होने वाले, क्योंकि राउटर बिना INID के बात ही नहीं करता। यहाँ से जितने भी क्वेश्चन सारे आपको मिलते रहेंगे हर एक तरह के, ये प्रैक्टिस खुद करते हैं, 10-15 मिनट टाइम दे, साइबर कैफे चले जाएं अगर इंटरनेट ना हो। ऐसा नहीं है कि 21 आएगा हर एक के अंदर, ये वैल्यू चेंज भी होती रहेगी, इधर 19 आ गई, ठीक है। तो ये प्रैक्टिस डू योरसेल्फ आपने घर पे ही करने का। IP एड्रेसिंग में कोई डाउट है किसी का, तो यू कैन आस्क मी, मेरे से पूछ सकते हैं, जहाँ से आपने अभी से स्टार्टिंग से लेके आज तक पढ़ा, कोई डाउट IP एड्रेसिंग में किसी को हो रहा हो, IP एड्रेसिंग में किसी ने कुछ पूछना हो, कोई सवाल किसी को समझ में आया हो आज तक, क्योंकि IP एड्रेसिंग का चैप्टर हम क्लोज करने जाए।